हेलो साथियों, कैसे आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमें एग्जाम पर कलम से कलम, आप सभी को साथी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, तो लिखकर बताइए। थोड़ी सी आवाज में इश्यू हो सकता है क्योंकि मैं ऑफलाइन से क्लास ले रहा हूँ, परिजनगढ़ से। ऑफलाइन में भी बोर्ड लगे हुए क्योंकि कल थोड़ा सा नेट का इश्यू आ रहा था। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, एक और जीके की दूसरी क्लास आपको देता हूँ। पिछले हफ्ते जो हमने सोमवार से जीके की क्लास शुरू की थी, मेरे विचार में आप सभी लोग उसमें बढ़िया, अगर आपने रिविजन किया होगा, नोट्स बनाए होंगे डेली और आपने भी रिविजन किया होगा, तो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर मिलेंगी क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज कराता जाए। आज हम आगे बढ़ेंगे, आज भी बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन से, और ये आपके संपूर्ण सिलेबस को लेते हुए एक चीज में फिर से बता दूं कि जो हिंदी की हमारी पुस्तक लॉन्च हुई है वो आज 30 और 31 केवल 2 दिन के लिए, 30 और 31 जुलाई केवल 1-2 दिन के लिए, आज तक के लिए बिना किसी कूपन कोड के 30 रुपए में थी। एक और बात बताओ, इसके साथ मेरा हिंदी स्पेशल भी था, ठीक है? चलो बच्चा, तो आप सभी लोग जितने नहीं लिए क्लास के बाद में जरूर ले, आगे बढ़ते। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? बात साइमन कमीशन की है, किसके साथ ही बात साइमन कमीशन की है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि साइमन कमीशन क्या, आप सब जानते कि भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम में राज्यों में द्वैध शासन, जिसको प्रांतों में द्वैध शासन कहते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन आया है, क्या लगा प्रांतों में द्वैध शासन लगे, इसमें यह भी साथ ही तय किया गया, अरे इसमें यह भी तय किया कि प्रत्येक दस वर्ष में इसकी समीक्षा के लिए, इसके रिव्यू के लिए एक वैधानिक आयोग बनेगा या स्टेचुरी कमीशन बनेगा। स्टेचुरी क्या बनेगा? आयोग बनेगा। अब 1923 थे, लेकिन 1927 में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को उसे डर था कि यदि लेबर पार्टी जीतती अगले साल और यदि वो भारतीयों को उसने कुछ और एक्स्ट्रा चीजें दे दी, क्योंकि लेबर पार्टी जो थी वो जनरली भारतीयों के साथ उसके मन में मतलब थोड़ा सा भारतीयों के लिए पॉजिटिव रह रही थी, तो उन्होंने 1927 में उस समय भारत सचिव बनके हेड करके व्यक्ति था साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन, इसका जो अध्यक्ष था साइमन के नाम पर, इसमें टोटल 7 लोग थे, अध्यक्ष प्लस साइमन सही, और इसमें एक व्यक्ति क्लीमेंट एटली भी था, वही क्लीमेंट एटली कि जब देश आजाद हुआ तो ये यूनाइटेड किंगडम का पीएम था, ये यूनाइटेड का पीएम था हमारे आचार्य के समय पर, ये साइमन कमीशन का एक सदस्य था। कोई दिक्कत? अब साइमन कमीशन 1927 में गठन हुए, ये भारत, तो ये भारत दो बार, आप में से कितने बच्चे जानते कि साइमन कमीशन जो था साथी भारत दो बार है, कितनी बार थे? तो पहली बार ये साथी फरवरी को, 3 फरवरी से 31 मार्च तक रहा, 3 फरवरी 1928 से 31 मार्च 1928, फिर 11 अक्टूबर 1928 और ये 13 अप्रैल 1929 तक, 13 अप्रैल 1927 एक प्रकार से क्योंकि ये ऑल व्हाइट कमीशन था, इसमें सारे के सारे कांग्रेस थे, ये आया तो भारतीय के लिए था लेकिन इसमें कोई भारतीय नहीं था, 7 व्यक्ति थे, दोबारा 1927 में गठन, इसका काम क्या था? इसका काम था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो प्रावधान किए गए थे उनमें सुधारों के लिए सुझाव दे, तब क्या लोगों के भारत सरकार की संरचना में सुधारों के लिए, भारत सरकार की संरचना में
सुझाव देने के लिए। 1930 में इसने रिपोर्ट दी, ले लीजिएगा, 1930 में इसने रिपोर्ट दी। इसी रिपोर्ट पर गोल में सम्मेलन हुए, इसी रिपोर्ट पर क्या हुए, 3 गोल में सम्मेलन, और इसका जो परिणाम निकला वो परिणाम निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका परिणाम क्या निकला, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इतने प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र ने लागू कर दिया। तो संघ कमीशन से इतनी सारी चीजें पूछता है, इसके अलावा संघ कमीशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, पहले तो उत्तर। दूसरा, 1833 में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहां पर हुई थी, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू उत्तर प्रदेश, जिनको आप राजस्व परिषद भी कह सकते हैं। अंग्रेजों के समय की बात है, 1831 में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना, 1833 में स्थापना तो प्रयागराज थी, स्थापना कहां पर हुई थी, प्रयागराज, लेकिन बाद में इसके कार्य बनिए, इसका जो प्रशासनिक विभाग है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है, प्रशासनिक विभाग को लखनऊ भेज दिया गया। इसमें एक अध्यक्ष होते और दो प्रशासनिक विभाग में सदस्य होते, जबकि जो इसका जुडिशियल, इसका जो न्यायिक कार्य है वो प्रयागराज का। इसमें 7 सदस्य, कितने सदस्य, 7 सदस्य। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ रिवेन्यू या उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, इसका गठन 1833 प्रयागराज, जिसका प्रणाम क्या, प्रणाम क्या था, अलाहाबाद, यही 1833 में स्थापना हुई। इसके प्रशासनिक कार्य कहां कर दिए गए, लखनऊ, और न्यायिक कार्य कहां कर दिए गए, प्रयागराज। न्यायिक बोर्ड जो होता है, इसकी जो न्यायिक विभाग है उसमें 7 सदस्य होते और प्रशासनिक में एक अध्यक्ष और साथी 2 सदस्य होते, लेकिन स्थापना पूछा था तो भी हमारा आपका बिल्कुल सही उत्तर है, भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं, डोलो भूमि था, भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, सभी लोग उत्तर दीजिएगा साथी, डोलो भूमि था भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तमिलनाडु के हो जाते हैं करगट्टा, तमिलनाडु के हो जाते हैं करगट्टा, तमिलनाडु का हो जाता है हिंदी, तमिलनाडु का हो जाता है दाम्बेर, तमिलनाडु का होता है कोयिलट्टम, 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 बाम्बेर करगट्टा, तमिलनाडु का होता है पुलियट्टम, ठीक है भैया, ये सारे किसके हो जाते हैं, ये तमिलनाडु के हो जाते हैं, ये किसके हो जाते हैं, तमिलनाडु के। बिहार की बात करूंगा, जट जटी, यहां का झिझिया, झिझिया विदेशिया, झिझिया विदेशिया, ये कहां के होते हैं साथी, ये बिहार के नृत्य हो जाते हैं, ये बिहार के नृत्य हो जाते हैं। इसकी बात करोगे केरल की तो थैयम हो जाता है, थैयम हो जाता है एक साथी, एक हिस्सा उपाना हो जाता है, थैयम उपाना, केरल का मरगनकली भी होता है, मरगनकली भी होता है। शास्त्रीय नृत्यों की बात करोगे केरल की और अलग अलग हो जाते हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम इत्यादि। जो डोलो कुनी था है, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, ये कहां का, कर्नाटक का, कर्नाटक के अन्य नीचे यक्षगान होता है, हुली वेश होता है, यक्षगान, हुली वेश, हुली वेश, यक्षगान, हुली वेश भी कह देते। एक यहां का सभी डोली को लिखा हो जाता है, एक करगा नृत्य भी हो जाता है, कौन सा हो जाता है, करगा, कर्नाटक के हो जाते हैं, कर्नाटक के हो जाते हैं यक्षगान, हुली वेश, करगा, ये सारे के सारे कर्नाटक के। तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, डोलू कुनीता, ये कर्नाटक का, डोलू कुनीता किसका, कर्नाटक का। तीसरे का उत्तर, प्रश्न संख्या 4, मेघला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, किस महिला, किस राज्य की जो पुरुष है वो पुरुष साथी एक अंग वस्त्र पहनते हैं, गबोसा कहते हैं, क्या कहते हैं, गबोसा। बहुत ही सांस्कृतिक महत्व है इस परिधान का। इसी प्रकार जापी नामक साथी टोपी, जापी मान नामक कोनिकल है, जापी नामक कोनिकल है, एक शोरी करके यहां पर बैडमिंटन प्रोडक्ट का भी बहुत सांस्कृतिक महत्व है। चलिए
ये तो हो गए यहूदी, यहूदी ने छिपा दिया की बात तो होगी, तो परमेश्वर चाहते हैं यही पर आ जाता है मेनु देव मेम्फी, मेनु देव मेम्फी, ये भी हो जाता है मेनु देव मेम्फी पर हो जाता है अली अलीगाम बीस बाहु, ये भी हो जाता है। तो अब से जाए या तो ये इस प्राचीन की महिलाओं द्वारा असल असल में जो महिलाएं पहनती है वो मेघना चादर पहनती है, असल में जो महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है मेघना चादर, पुरुषों की जो पारंपरिक पोशाक है गमछा, क्या पे कोनिकल है स्टोरी जो करके ये वेल पर दीहु अन्याय निगम में ने बिनती बीस साल तो प्रेडियम बिल्कुल सही है। पांच माई पैसेज फ्रॉम इंडिया 2019 के आपके पेपर में पूछा गया है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया बताइए। देखिए अंतचेतन करके अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी पद्मभूषण भी मिला है, अंतचेतन और पुली, अंतचेतन और पुली ये मुल्कराज आनंद की पुस्तक है, पुस्तक जितनी लिखवा रहा हूं डेली दो दो तीन तीन बार रिवाइज किया, मुल्कराज आनंद की कौन सी पुस्तक है अंतचेतन और एडवर्ड मार्गन फॉरेस्टर इसकी पुस्तक है पैसेज टू इंडिया, आ पैसेज टू इंडिया थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आ पैसेज टू इंडिया वीएस नायर विद्यादत्त प्रसाद के भारतीय मूल के 2001 साहित्य का नोबेल भी मिला, 2001 का साहित्य का नोबेल भी मिला वीएस नायर जी को, इनकी पुस्तक है हाउस फोर मिस्टर विश्वास और इना फ्री स्टेट, इनको इना फ्री स्टेट के लिए बुकर प्राइज भी मिलता वीएस नायर इनको शब्द में कहते हैं वीएस नायर ये जो पुस्तक की बात हो रही है माय पैसेज फ्रॉम इंडिया ये इस्माइल मर्चेंट की पुस्तक है, माय पैसेज फ्रॉम इंडिया ये 2019 में आ चुका है पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछी, तो यदि माय पैसेज मेरा इस्माइल मर्चेंट अब पैसेज फ्रॉम इंडिया आ जाए तो फॉरेस्टर एडवर्ड मार्टिन मिस्टर ई एम फॉरेस्टर भी कहते थे शॉर्ट में ई एम फॉरेस्टर, आप ऐसे चुनिए मुल्कराज आनंद अंतचेतन पुरी और बी एस नायर ने बुकर भी जीता साहित्य का अनुवाद इन अ फ्री स्टेट इनकी पुस्तक। पांचवे टॉप पर बिल्कुल सही है। छठा उमेद भवन पैलेस कहां स्थित है, उमेद भवन पैलेस ये भी 2019 में आ चुका है तो बेहतर पेपर उत्तर प्रदेश का है, पर ये बस उतना राजस्थान में नहीं आएगा, पर्यटन स्थल बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान देंगे उदयपुर को ताकि वेनिस ऑफ द स्त्री कहा जाता है, वेनिस ऑफ द स्त्री कहा जाता है, उदयपुर को वाइट सिटी भी कहा जाता है, उदयपुर को वाइट सिटी भी कहा जाता है, मैसूर कर्नाटक चामुंडी हिल्स, मैसूर कर्नाटक चामुंडी हिल्स, मैसूर के पास पांड्या जिला है वहां पर वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन सोचो ना वृंदावन गार्डन कहां पर है मैसूर में, यही पर कृष्णराज सागर बांध, बताइए कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है, कावेरी और हिंदवती और तीर्थ गंगा इनके संगम पर कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर यही पर मैसूर में चेना केतन मंदिर भी है, चेना केतन मंदिर भी है ठीक है, जयपुर आप सभी जानते हैं पिंक सिटी भी कहते हैं 1727 में स्थापना, यहां पर अमेरिका किला जयगढ़ का किला, अमेरिका किला जयगढ़ का किला ये सब कहां पर है जयपुर में, उम्मीद भवन पैलेस की बात करोगे तो ये जोधपुर में स्थित है, गिलानगढ़ का किला उम्मीद भवन पैलेस ये जोधपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ का किला उम्मीद भवन पैलेस मंडोर गार्डन करके भी जोधपुर में है, मंडोर गार्डन तो जितना बड़ा है तो अच्छे तैयार करो, तो उदयपुर को भी कहते हैं
करुण सागर, ये दूध सागर, ये सब उदयपुर में स्थित है। मैसूर में चिन्ना के का मंदिर, मैसूर का जो किला है उसको अम्बा विलास महल कहते हैं। मैसूर के महल को अम्बा विलास महल। कभी नेताजी चौधरी उदयपुर को कहते हैं, पूर्व का विकास भी कहते हैं, जिलों का शहर भी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, जोधपुर में मंडोर गार्डन का किला, जयपुर पिंक सिटी, आमेर जयगढ़, मैसूर चिन्ना केतन मंदिर, अम्बा विलास महल, चामुंडी देवी, यही मैसूर के पास मंडिया है, डबल गार्डन और कृष्ण राज सागर। तो चिन्ने का उत्तर क्या जाएगा भी आपका मिल से प्रत्येक सूफी संत के वार्षिक उसके अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष 12 पंक्ति में देवा मेला का आयोजन किया जाता है। देवा शरीर को मेला भी कहते हैं, देवा शरीर को मेला भी कहते हैं, देवा शरीर मेला 12 पंक्ति किसके उस पर कार्तिक के महीने में कांपी मेला बात करें, याद रखिएगा फरुखाबाद में लगता है, कांपी मेला फरुखाबाद में लगता है और जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। बटेश्वर मेला और कैलाश मेला, बटेश्वर पशु मेला और कैलाश मेला, ये दोनों कहां लगते हैं, आगरा में लगते हैं, आगरा में लगते हैं। कोई पूछे ध्रुपद मेला कहां लगता है, ध्रुपद मेला तो याद रखिएगा वाराणसी में लगता है, ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। कोई पूछे नौचंदी कहां लगती है, तो नौचंदी का मेला मेरे लगता है। तो मेरा बारह की किसके याद रखिए, वारिस अली शाह की दरगाह, किसकी दरगाह पर, वारिस अली शाह की दरगाह। प्रसिद्ध वारिस अली शाह के अवसर पर देवोत्सव मेला उत्तर प्रदेश के बारहवीं मेला से संबंधित है, बटेश्वर कैलाश मेला, ध्रुपद मेला वाराणसी और नौचंदी मेरठ, नौचंदी मेरठ। सातवें नंबर भी आपका बिल्कुल सही है, मानव तस्करी और जबरन शरण पर रोकता हुए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में आता है, मानव तस्करी पर रोक और जबरन श्रम पर रोक, बेगार मजदूरी पर रोक, बेगार मजदूरी पर रोक, समानता अधिकार, ये ताकि अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29-30 ये सब उधर चले जाते हैं। इसी बात संबंधित 25 से 28, तो ये ताकि कुल मिला के याद रखेगा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 24 में जो बाल मजदूरी पर रोक, बाल मजदूरी इत्यादि पर रोक। तो याद रखिएगा मानव तस्करी और जबरन श्रम ये अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, ये अनुच्छेद 23 में और बच्चों वाला कितना था अनुच्छेद 24 में। आठवीं का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है, आठवीं का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है। नौवे पर अच्छा, भारत में मानव संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना, राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना और मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना, मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना, ह्यूमन राइट कोर्ट की स्थापना। इसमें साथी 43 धारा और 8 अध्याय, इसमें धारा 2 के तहत मानवाधिकारों की परिभाषा दी गई है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन, जो लोग रणभूमि से वो तुरंत उत्तर दे रही है, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित वो सभी अधिकार संविधान द्वारा प्रत्येक को
या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों में निहित है और भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। भारतीय न्यायालयों उसके बारे में एडी चार्टी का गठन होता है धारा 3 से, जिसमें एक अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस या चीफ जस्टिस कोई भी हो रिटायर्ड, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 5 फुल टाइम मेंबर और 7 साथी पदेन सदस्य। ये काला हुआ, ये 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1993। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बताइए। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल की बात करें तो राष्ट्र फूल, फूल की बात करें तो राष्ट्र फूल, पक्षी की बताइए पशु हो जाता है भारत सिंह, पशु क्या हो जाता है जिसको डीएनए कहते थे भारत सिंह, वृक्ष हो जाता है पशुओं का वृक्ष, वृक्ष क्या हो जाता है साथी अशोक का वृक्ष, वृक्ष क्या हो जाता है अशोक का वृक्ष, जबकि विशाल क्या हो जाता है ये धनुष, दो मछली, तीर, ये था तीर और दो मछली, ये वाला पक्षी हो जाता है, पक्षी क्या हो जाता है साथी सारे त्रिक, दसवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का नामकरण 24 जनवरी 1950 दसवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, हमारी टोटल 22 समिति बनी थी कामों के लिए, 22 समिति टोटल कितनी समिति 22 जो यदि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो कि प्रांतीय संविधान तथा मूल अधिकार अल्पसंख्यक मामले, मूल अधिकार अल्पसंख्यक मामले, इन सब के लिए जो समिति के अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। बाकी संघ शक्ति की बात करूं या संघीय संविधान की बात करूं, इन सब के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 11 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, 11 का उत्तर सही डे ऑफ संसद द्वारा 8 सितंबर संविधान संशोधन के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन थे आप सभी जानते हैं, जब इतने लोकसभा राज्यसभा में लाए, लोकसभा या जब इतने राज्यसभा में लाए तो इसे साथी 122वें विधेयक के तौर पर लाए, 122वें विधेयक के तौर पर। फिर जब उस पर राष्ट्रपति ने सहमति दे दी, राष्ट्रपति ने सहमति दे दी और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा ने इसको पारित कर दिया, तो ये 101वें संविधान संशोधन अधिनियम था। तो अधिनियम तो 101वां था, अधिनियम कौन सा था? 101वां, लेकिन विधेयक कौन सा था? ये 122। तो बिल की बात करें, बिल जब तक बिल रहता है जब तक राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाए, और जैसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते सहमति दे देते तो वो अधिनियम बन जाता है। तो 122वें विधेयक के तौर पर आया और क्या संविधान में कहते शामिल हुआ 101वां संविधान संशोधन। तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, सी आपका साथी बिल्कुल सही उत्तर है। और ये लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2000। ये याद रखिए विशेष बहुमत के साथ ये संसद में कितने बार होगा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा। और पहला राज्य कौन सा था जिसने इसको पारित किया था? तो याद रखिएगा असम था।
मुख्यालय कहां पर रहता थी? आईसीआरए का मुख्यालय कहां पर? आईसीआरए का मुख्यालय कहां पर बताइए? आईसीआरए देखिए भारत में सात क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो उधार लेते हैं, जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है सिविल स्कोर, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ही तय करती है। क्या करती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनमें आईसीआरए हो जाती है, इनमें साथ ही केयर नामक हो जाती है, इसमें क्रिस्टल नामक हो जाती है, क्रिस्टल हो जाती है, इसमें इंडिया नाम से एक है, इसमें एक्यूआई नाम से एक है। ये कितनी हो जाती है? 3, 2, 5, दो नीचे ब्रिक 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 करके है कुछ, और एक हो जाती है इसमें इनफो इंडिया, एक ब्रिक कुछ करके इसका हेडक्वार्टर ब्रिक नाम से जो है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु हो जाता है, और सातवीं हो जाती है इनफो कुछ करके। तो इनमें से ब्रिक वाली बेंगलुरु में, और ये जो इकरा है इसका गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम, इसका नाम मेरे साथी हरियाणा के गुरुग्राम में, बाकी एक और है जिसका दिल्ली है, बाकी सबका केयर हो, क्रिस्टल हो, एफपीआई हो, इन सबके हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। इनके हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। तो भारत की सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? सब लोग कमेंट में लिखिए कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सात क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आईसीआरए, सीएआरए क्रिस्टल इंडिया नाम से, एसीयूआईटी नाम से, और एक ब्रिक नाम से। तेरे डॉक्टर सती प्रिया कमल से है। कौन सा पर्वत जना भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इनमें से कौन सा दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में? बताइए साथी, चिलिकला, नाथुला, 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 नाथुला के साथ है नाथुला, ये किस राज्य में स्थित है? बाड़ा लाचाला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा, लाका मतलब ही दर्रा होता है, शिपकीला जहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, शिपकीला, ये बताइए ये कहां पर स्थित है? ये बताइए साथी ये कहां पर स्थित है? मानव नीति लिपुले, मानव दर्रा, नीति दर्रा, लिपुले दर्रा, ये तीनों कहां पर है? ये उत्तराखंड में। तो जो साथी लिपुले दर्रा ये उत्तराखंड, ये भारत चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर, तो उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड दर्रा पूछा, लिपुले दर्रा, नाथुला, नाथुला ये भारत के सिक्किम में स्थित है, बाड़ा लाचाला शिपकीला ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चौथे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पंद्रह, भारत में मुस्लिम या लोतांग त्योहार जब 17 दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, यह भारत के राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, यहीं पर साथी दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची, और अगर भारत की बात करें तो भारत की तो वैसे माउंट केटू है, लेकिन वो वर्तमान में उस हिस्से में जिस पर पाकिस्तान का कब्जा, तो 8,586 मीटर ऊंची कंचनजंगा इसी राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है, नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहां पर और भी कुछ उत्सव होते जैसे तारा दावा, ये बुद्धिस्ट त्योहार, बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार, ये भी यहां पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ये भी साथी यहां पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे उत्सव त्योहार है, जैसे उत्सव त्योहार है, इसी तरह नामोत्सव त्योहार है, इसी तरह बहुत सा त्योहार है, नामोत्सव त्योहार है, तो लुत्तों की हरियाणा और नामोत्सव सारा धाम, ये सब सिक्किम के त्योहार है, ये सब किसके त्योहार है? सिक्किम के त्योहार है। सभी लोग उत्तर दीजिएगा, ये किसके त्योहार है? सिक्किम के त्योहार है। जैसे विशु, ओणम, ओणम भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, विशु केरल का नंबर से, होला मोहल्ला बैसाखी लोहड़ी, होला मोहल्ला बैसाखी लोहड़ी ये पंजाब की है,
पंद्रह का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पंद्रह का उत्तर किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं? एक सींग वाले गेंडे हिब्रू साई कोबा नेशनल पार्क, हिब्रू साई कोबा नेशनल पार्क। ये जो हिब्रू साई कोबा नेशनल पार्क है इतने फैरल होते हैं। फैरल घोड़ों का मतलब है कि जो जंगली घोड़े होते हैं अभी भी हिब्रू साई कोबा में पाए जाते हैं। यहीं पर काफी नामी यहीं पर बड़ा नेशनल पार्क है, यहीं पर रायमोना, यहीं पर कौन सा है रायमोना, रायमोना हिब्रू साई कोबा नामी ओरांग रायमोना देहिंग पटकई, देहिंग पटकई नेशनल पार्क ये भी यहीं पर है। यहीं पर काफी काचीरंगा नेशनल पार्क है। काचीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जिन कार में ये उत्तराखंड में, रणथंभौर ये राजस्थान में है, और बांदीपुर बन्नीरघट्टा ये कर्नाटक में। बांदीपुर नागर हो कहां पर होते कर्नाटक में। सोले उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, सोले उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। सभी को आचार्य उत्तर दे रही है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में बने, किस भारतीय राज्य में? तो देखिए 2021 में भारतीय वार्षिक वन मतलब द्विवार्षिक वन रिपोर्ट है। हमारे जो वन रिपोर्ट होती है वो दो बार द्विवार्षिक हो जाए। उसके अलावा 21.75% हो गए और 32.9% क्या होगी ये वृक्ष, तो वन प्लस वृक्ष से होगी हमारे यहाँ 24.62% कितना 24.62%। यदि आप प्रतिशत में देखोगे तो पहले नंबर पर क्या हो जाता है मिजोरम हो जाता है। प्रतिशत में देखोगे तो पहले नंबर पर क्या हो जाता है मिजोरम, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। लेकिन आपने प्रतिशत में नहीं पूछा, यदि क्षेत्रफल में देखोगे तो पहले स्थान पर यूपी, दूसरे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़। तो किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में, इनमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 6.88% के आसपास, उसमें भी सोनभद्र में सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सर्वाधिक प्रतिशत है, प्रतिशत में भी नॉर्मल भी सर्वाधिक मध्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र। तो किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 6.8 उसमें भी कौन सा सोनभद्र, जबकि प्रतिशत में मिजोरम, प्रतिशत में मिजोरम। 17 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? किनारे मेरी जुबान खराब जाएगी पूरी, टाइगोंग प्योंग चेकोंग उम्फू पांडा सभी लोग उत्तर दीजिए इसका। प्योंगयांग कि देखिए प्योंग चेन अलग हो जाती है, प्योंगयांग याद रखिएगा। टैंगोंग नदी के किनारे बताइए, देखिए मालदीव की बात करोगे, राजधानी की बात करोगे माले की साइड नदी कहते हैं, माले को क्या कहा जाता है किंग साइड, माले को क्या कहा जाता है किंग सुदी राजा धनी, जबकि मुद्रा क्या हो जाती है रुपया, ये रुपया। मलेशिया की बात करोगे राजधानी कुआलालंपुर, कुआलालंपुर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है, मुद्रा हो जाती है रिंगिट, क्या हो जाती है रिंगिट। मंगोलिया की बात करोगे, मंगोलिया की राजधानी हो जाती है उलनबटा, राजधानी क्या हो जाती है उलनबटा, और यहां पर टोबरोक क्या हो जाती है इनकी मुद्रा हो जाती है। याद रखिएगा नॉर्थ कोरियन वोट, नॉर्थ कोरियन वोट ये इनकी मुद्रा, जबकि राजधानी क्या हो जाती है प्योंगयांग हो जाती है, राजधानी क्या हो जाती है प्योंगयांग हो जाती है। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, से वो कटोरा कटिंग वाला नहीं है क्या ना, उसका किंग जो उसका पारंपरिक ढोकला ये किस राज्य के,
ढोकला आंगली ढोकला ये बताइए किस राज्य के जो ट्रेडिशनल इतने के आंगली ये किस राज्य है बताइए साथी सभी लोग। देखिए कर्नाटक में बहुत फेमस हो जाता है मैसूर मैसूर पाक पूछे ये बिहार का लिट्टी चोखा बिहार का लिट्टी चोखा बिहार का लिट्टी चोखा ये खंडवी ढोकला या फिर ये गुजरात के ये कहा गुजरात के इस प्रदेश गुजरात वाले पश्चिम बंगाल ढोकला गुजरात के ढोकला तो तुम लोग इतने चाल से खाते हो तो याद रखिएगा खंडवी ढोकला ये कहा की गुजरात की। चलिए 2000 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किस जिले की इसकी ट्रेक होती है जनसंख्या सबसे ज्यादा ए एन जी ए का मतलब होता है उस समय का वर्तमान क्रिया का मतलब होता है बुरा इलाहाबाद की है 20 का उत्तर सही है। जबकि यदि हम जनसंख्या घनत्व देखोगे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या तो आपको आठ सौ उन्तीस व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलेंगे 839 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 20 का उत्तर। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जहां सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलती है बॉक्साइट यहां पर यही पर राउरकेला जर्मनी की सहायता से बनाया गया राउरकेला स्टील प्लांट है जो कि जर्मनी की सहायता से बना किसकी सहायता से साथी जर्मनी की सहायता से किसकी सहायता से जर्मनी की सहायता से सब लोग कर दीजिए सबसे बड़ा बॉक्साइट ऑक्साइड से एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति होती है ऑक्साइड से किसकी प्राप्ति होती है एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है ऑक्साइड से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है देश का लगभग 50% के करीब उड़ीसा उत्पादन करता है देश का लगभग 50% कौन उत्पादन करता है उड़ीसा द्वारा उत्पादन किया जाता है 21 का उत्तर सही है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत देखिए जो होता है ये ग्राम भगवान चलता भोजपुरी भाषा भोजपुरी जिस क्षेत्र में बोली जाती है पूर्वांचल का भोजपुरी रशिया देखेंगे तो ये ब्रजमंडल का ब्रजमंडल का बुंदेलखंड में आपको यहां होना चाहिए आला बुंदेल के किस्से लोग बड़े चाव से गाते सुनते हैं तो आला जो है ये बुंदेलखंड का लोकगीत है आला जो है ये बुंदेलखंड का लोकगीत है आला बुंदेलखंड का लोकगीत है बुंदेलखंड का लोकगीत है एम्पियर एसआई इकाई है एम्पियर में क्या मानते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन से ध्यान पूर्वक उतारिएगा बहुत शाबाश प्रकाश की तीव्रता ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कहते हैं क्या कहते हैं साथी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं इसको कैंडेला में मापा जाता है किसमें मापा जाता है कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापा जाता है विद्युत आवेश ये कूलम्ब में मापा जाता है कूलम्ब याद रखिएगा विद्युत का प्रभाव किसी वाहक के तरफ से अंदर से किसी कंडक्टर के अंदर से जो विद्युत का प्रभाव होता है वो एम्पीयर में मापा जाता है किसमें मापा जाता है एम्पीयर में 23 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है 24 पादप वायरस टीएमबी का पूर्ण रूप क्या है
स्त्री से एवं वस्ती करके एवं वस्ती करके जो रूसी वैज्ञानिक थे कहते हैं उन्होंने वायरस की खोज की तो जो पहला वायरस पहचाना गया था वो टीएमबी वायरस था। ये पौधों में लगता है आपको टीएमबी वायरस के फुल फॉर्म याद रखिएगा। जो मिश्रण हुए इसके से संबंधित नेशनल इंस्टीट्यूट या नेशनल लेबोरेटरी नेशनल वायरस मिश्रण संस्थान भी कह सकते हो मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है इंसुलिन का उल्टा ग्लूकागोन का उत्पादन होता है जबकि यहीं के बीटा से इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन की बोझ इसकी कमी से दो बीमारियां होती है एक तो सेल नष्ट हो जाने से टाइप वन डायबिटीज और कम या नहीं निकलने से इंसुलिन टाइप टू। मानव शरीर का कौन सा पैनक्रियास जिसको अग्नाशय कहते हैं पश्चिम का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है वर्ल्ड वाइड वेब के विस्तारक 1982 में इन्होंने इसकी खोज की और 1991 में ये पब्लिक यूज के लिए या पब्लिक उपयोग के लिए लॉन्च किए वर्ल्ड अर्थात इंटरनेट पर मौजूद अरबों पेजेस जो होते हैं अरबों वेबसाइट जो होती है पेजेस का आप इसे जाल भी कह सकते हो या इसे नेटवर्क भी कह सकते हो क्या कह सकते हो नेटवर्क भी कह सकते हो। तो वर्ल्ड वाइड वेब के विस्तार देखिए सर्चे ब्रिंग और लैंडिंग पेज ये गूगल के संस्थापक बिल गेट ये माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव जॉब्स ये एप्पल के संस्थापक टिम बर्नर्स-ली WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार ये टिम बर्नर्स-ली है 26 का उत्तर है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है अंगूर की फर्मेंटेशन से शराब बनाई जाती है अंगूर की खेती को देखिए सेरिकल्चर ये साथी सिल्क की खेती होती है सिल्क फार्मिंग जिसको आप लोग कहते हैं सेरिकल्चर सिल्क फार्मिंग मोरी कल्चर जो मलबरी के वृक्ष उनको आया था मलबरी के वृक्षों की खेती मलबरी वृक्षों की खेती जिससे जो सिल्क का कीड़ा होता उससे खाए एवी कल्चर ये विटी कल्चर होती है क्या होती है साथी विटी कल्चर होती है एक एपी कल्चर होती है एपी कल्चर जो है ये हनी अथवा हनी बी का पालन मधुमक्खी का पालन 27 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है 27 का उत्तर साथी डी आपका बिल्कुल सही है एक कृषि कल्चर होता ये मछली पालन ये साथी मछलियों से संबंधित है ये किससे संबंधित है मछलियों से संबंधित है 27 का उत्तर डी आपका बिल्कुल 28 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय 1984 में
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बोर्ड का गठन किया। कब गठन किया गया तो आप कहोगे सर 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन किया। आप सभी लोग इसका हेडक्वार्टर बताइए कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है। बागवानी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, सभी लोग उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर, बिल्कुल सही। नेशनल बोर्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। कभी स्थापना 1984 मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित की गई, इसके सदस्य कितने होते हैं 47। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है 3 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसलिए ताकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का मानवाधिकार आयुक्त मार्च 2006 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इतने 43 सदस्य होते हैं। जेनेवा होता है और कार्यकाल कितना होता है 3 वर्ष का, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 3 वर्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष सिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए, किस वर्ष साथी सिमला समझौते पर हस्ताक्षर। कभी कभी आपसे सिंधु नदी जल समझौता पूछेगा, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु वाटर ट्रीटी, ये 19 सितंबर 1960 की बात। यदि आपने स्थान पूछे तो यहां के लिए स्थान है कराची, पाकिस्तान के कराची में बात, पाकिस्तान के कराची। शिमला समझौते की बात हो तो 1970 का भारत पाकिस्तानी खत्म हुआ और बांग्लादेश नया राज्य 1971 में आजाद हो चुका था। ये जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के बीच हुआ था शिमला, शिमला के राजभवन। शिमला एक समझौते के लिए फेमस, शिमला एक समझौते के लिए फेमस है जिससे मैकमोहन रेखा का गठन हुआ। जो मैकमोहन लाइन जिसमें तय की गई वो समझौता भी शिमला हुआ। तो जिस समझौते के तहत मैकमोहन लाइन तय की गई वो भी कहां पर हुआ था, यही पर याद रखिएगा। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के संयुक्त कहिए कि खत्म हुआ, जबकि सिंधु नदी का समझौता 1960 में कराची में हुआ था। तीसरा उत्तर मेक्सिको की मुद्रा बताइए। मेक्सिको ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, ये बीच में अमेरिका पड़ जाता है, ऊपर कनाडा हो जाता है और नीचे मेक्सिको हो जाता है। अक्सर चर्चा में रहता है ड्रग्स वगैरह के लिए, यहाँ के गैंग के लिए, और मेक्सिको से अवैध रूप से लोग अफ्रीका की सीमा में चले जाते, अमेरिका की सीमा में चले जाते। तो मेक्सिको की मुद्रा कुछ भाई रुपया तो आप देखते हैं नेपाल की हो जाती है, अपने भारत की है, वही याद रखिए श्रीलंका की है। पेरू मेक्सिको की मुद्रा क्या है, इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी होती है, इसकी राजधानी क्या हो जाती है मेक्सिको सिटी। यहीं पर आप सभी जानते हैं 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो मेक्सिको अमेरिका कनाडा में संयुक्त रूप से आयोजित, ये इराक बहरी इत्यादि की हो जाती है। 31 अगस्त की आपका बिल्कुल सही है, 31 अगस्त की आपका बिल्कुल सही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बताया, देखिए भारत का एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये तो सबसे बड़ा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का एशिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार PSE जिसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में,
पीएसटी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में और एनएसी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में, एनएसी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में। 32 किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर पुलिस मेडल फॉर लाइफ सेविंग, किसी की जान बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर पुलिस मेडल कौन सी संस्था देती है, प्राइम मिनिस्टर पुलिस मेडल इनमें से कौन सी संस्था देती है, गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, बीपीआरडी, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। ये सीएपीएफ को दिया जाता, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों को दिया जाता, जो जितने किसी ने जान बचाई हो। तो जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक, इसमें आपको चौंक जाओगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो देती है, इसको कौन देती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो देती है। जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक जो है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है, ये इसके द्वारा दिया जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आईजी के डायरेक्टर की केंद्रीय कमेटी होती है, फिर प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल होता है, फिर आईजी अवार्ड देती है हर साल, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का उत्तर किसी अपराध को करने वाले व्यक्ति को दंड देने का अधिकार किसको, जैसे किसी ने कोई अपराध किया, यह मानसिक अभिरुचि का प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो व्यक्ति को दंड देने का अधिकार किसको, केवल कोर्ट को, पुलिस को, दोनों को, इनमें से किसी को नहीं, दंड देने का अधिकार। सभी लोग उत्तर दीजिए। साथ ही दंड देने का अधिकार न्यायालय को दिया गया, दंड देने का अधिकार किसको दिया गया, कोर्ट को दिया गया, न्यायालय को दिया गया। पहले बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित थे, गुलाम अली खान यदि उत्तराचार्य भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी रियासत का क्या घराना, पंडित जसराज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का घराना था, मेवाती घराने से, मेवाती उच्च बड़े गुलाम अली खान ये गायक थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। ये आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी पढ़ना होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, बिल्कुल सही। ये साथी पटियाला घराने के, किस घराने के थे, ये पटियाला घराने के थे, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है। ये कई सारी संस्थाएं, संगीत अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी। तो 1954 में इसका बैठक हुआ, हेडक्वार्टर का नई दिल्ली है रविंद्र भवन में, और ये इसके तहत सांस्कृतिक या संस्कृति मंत्रालय के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइन जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश की पार्टी आपको टोटल साक्षरता दर बतानी है, उत्तर प्रदेश की आपको टोटल लिटरेसी रेट बतानी है, टोटल लिटरेसी रेट पुरुष 77.28, महिला 57.28, पुरुष 77.28, महिला 57.28, ये मेल ये फीमेल, एवरेज निकालो 67.7, भारत की बात करोगे भारत का 74.04, जहां मेल का टोटल 82% प्लस है, वही फीमेल का 65%। तो मेल और फीमेल दोनों ही राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में कम है, उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 38 केरल गॉड होम कंट्री, इसके लेखक कौन है, इन्होंने द पैराडॉक्सिकल प्रधानमंत्री की पुस्तक लिखी है, द पैराडॉक्सिकल प्रधानमंत्री की पुस्तक लिखी है, इन ग्लोरियस एम्पायर इन्होंने पुस्तक लिखी है, इन ग्लोरियस एम्पायर की पुस्तक लिखी है, इन ग्लोरियस एम्पायर प्रधानमंत्री वाई आई बिंदु की पुस्तक लिखी है,
केरल बोर्ड एंट्री ये किसकी पुस्तक है? याद रखिएगा शशि थरूर। अभी उन्हें बाबा साहब की पुस्तक लिखी अच्छी लेता बाबा साहब की ऊपर एक पुस्तक लिखी है अड़तीस का उत्तर है 39 भारत में किस दिन को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 15 अगस्त 26 नवंबर याद रखिएगा साथी संविधान दिवस। इसी दिन राष्ट्रीय युद्ध दिवस भी होता है। 29 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 29 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। आज का राष्ट्रीय प्रश्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वर्ष 1958 में इन्हें पुरस्कार प्रदान कर दिया। यही आज रखेगा यही साथी भूदान और ग्राम प्रधान आंदोलन से संबंधित है। भूदान और प्रदान करने वाले पहले भारतीय संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे 40 का उत्तर भी 40 का उत्तर बताइए 40 से आज भी बहुत बढ़िया जिसने नहीं लिया कूपन कोड की जो उतनी स्पीड दे सकते हैं एकदम तो 399 के साथ ही आपको मेरा जो हिंदी स्पेशल का बैच है वह आपको मिल जाएगा। अभी आज बंद कर दे चलिए साथियों तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके सभी लोग बताना। अभी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और विवेक पर नोट करके जो मेरे टेलीग्राम चैनल बता रखा है उस पर हिंदी और जीके दोनों क्लासों के पीडीएफ होंगे। आज के इतना ही।